हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है सेक्शन 377 को लेके। यहाँ पे क्यों देखो, सेक्शन 377 को लेके काफी कंफ्यूजन रहा है, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन है वो यहाँ पे करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या तो अभी निर्णय आया था और क्या केसेस वगैरह थे, क्या क्या पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेक्शन 377 कहता क्या है। आईपीसी की धारा जो 377 है वो कहती क्या है। आईपीसी की धारा 377 ये कहती है कि कोई भी दो सेम सेक्स के लोग हों, चाहे मेल हो या फिर चाहे फीमेल हो, अगर उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब गलत है और उनको वो एक तरीके से क्राइम के तौर पर देखता है। ये है सेक्शन 377। मतलब जैसे मेल मेल के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन हो रहा है तो वो क्राइम है, या फिर फीमेल फीमेल के बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन है तो वो भी अगेंस्ट नेचर है और उसको भी क्राइम है, वो माना गया था। अब ये देखो, शुरुआत ये हुई थी कि एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके द्वारा बेसिकली 2007-08 के टाइम पे दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ केस भी गया था। वो एक फाउंडेशन था, उसकी हेल्प से बेसिकली केस है वो गया था, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट एक बार हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं मोटा मोटा। तो जब केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया था 2007-08 के टाइम पे, तब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी वो उनकी पर्सनल मर्जी है और उन्होंने सेक्शन 377 को हटाने की बात हो गई थी। बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसने हाई कोर्ट के निर्णय को दबा दिया था। ये बेसिकली डिस्कस हुआ था उस टाइम पे मोटा मोटा। और अभी क्या हुआ, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके काफी डिबेट वगैरह चल रही थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ये आया कि भाई कोई भी दो सेम सेक्स के लोग हों, उनके बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशन है उन दोनों की मर्जी से, तो वो क्राइम नहीं है। मतलब होमोसेक्सुअलिटी है, समलैंगिकता है, उसको अभी इंडिया में अलाउ हुआ है, वो यहाँ पे किया गया है। ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी की धारा 377 को अब हटा दिया गया है, उसके जो प्रावधान वगैरह थे उनको उन्होंने बेसिकली देखो सुप्रीम कोर्ट में तीन बातों पे फोकस किया गया। एक तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। यूपीएससी जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकती है, या यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाने का एक ऑप्शन उसको मिल सकता है। यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है उनका यहाँ पे वायोलेशन हो रहा था और उसके आधार पे सेक्शन 377 को हटाया गया था। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सबके लिए समान है। कैसी सी बात ये है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर आप वो को जो भी हो, मतलब कानून के सामने आप सब लोग समान हो। वहां पे ये नहीं है कि मेल मेल के बेस में रिलेशन है तो भाई आपकी गलती है वगैरह जो भी है, तो इसलिए आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति, उस सेक्स है, इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब जाति हुआ, वंश वगैरह, ऐसी चीजों के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जबकि हो क्या रहा था 377 में कि दो सेम सेक्स के लोगों के बीच में रिलेशन है तो उसको कहीं ना कहीं मतलब इनवैलिड या क्राइम के तौर पे देखा जा रहा था, तो इसलिए आर्टिकल 15 का हवाला दिया गया। और आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 हम देखो राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है उससे भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इन सारे फंडामेंटल राइट, ये बेसिकली तीन फंडामेंटल राइट है, इनके आधार पे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को मतलब इनवेलिड करा रहा है, वो ये भी दे दिया है। अब देखो 2007-08 के टाइम पे जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो बेसिकली फाउंडेशन की हेल्प से किया गया था। एक एनजीओ है जिसका नाम है नाज फाउंडेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। नाज फाउंडेशन रिसेंटली न्यूज में था किसको लेके वगैरह, आईपीसी की धारा 370 377 वगैरह, तो वहां पे इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है। देखो आईपीसी की धारा 370 है वो अलग है, और ये है जो 377 है ये अलग है, दोनों में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी दोनों चीजें हैं वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो नाज फाउंडेशन है ये बेसिकली जो एचआईवी एड्स के पेशेंट होते हैं हमारे देश में, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए बेसिकली काम है वो करता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए एक नाज फाउंडेशन है वो बनाया गया था जो कि सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली काम है वो करता है। और इसी ने एलजीबीटी कम्युनिटी की आवाज को उठाया था और इन्होंने ही एक्चुअली आईपीसी की धारा 377 के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था, और उसके बाद निर्णय जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह गया और अभी उसके फाइनल वर्डिक्ट्स आए थे, तो उसको लेके काफी बच्चों में कंफ्यूजन वगैरह था कि सर है क्या, तो हमने इसे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस एक बार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है संगाई हिरण के बारे में, तो एक बार इसे हम देख लेते हैं। देखो संगाई हिरण है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ये पाया कहाँ जाता है। देखो यह बेसिकली पाया जाता है, आपको बता दूं, मणिपुर की एक जो नेशनल पार्क है काफी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है केबू लामजाओ। ये केबू लामजाओ जो नेशनल फ्लोटिंग पार्क है, इंडिया का पहला फ्लोटिंग पार्क है, यहाँ पे बेसिकली संगाई हिरण है वो पाया जाता है। संगाई हिरण को बेसिकली डांसिंग हिरण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम भी हमें ध्यान है वो रखना है। और अहम बात क्या है,
जो ये संघाई हिरण है ये ऑल ओवर इंडिया में, नहीं ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में केबू लमजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं है। मतलब इंडेमिक है, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के कुछ लिमिटेड एरिया में है पाया वो जाता है। 2016 के टाइम पे इनकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 260 के आसपास थी। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई इसकी पॉपुलेशन है वो इंडेमिक तो है ही है, तो क्यों ना इसको थोड़ा डाइवर्स कर दिया जाए, मतलब इसको अलग अलग एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि एक तो खतरा कम हो, और जैसे बाई चांस ये मान के चलो कि जो नेशनल पार्क है केबू लमजाओ, यहाँ पे कोई फ्लड ना आ जाए भगवान की दया से, कुछ भी ऐसा हो तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ये संघाई हिरण है खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि इनको यहाँ से थोड़ा बहुत अलग अलग डाइवर्स कर दिया जाए, तो ये स्पीसीज को और ज्यादा प्रोटेक्शन है वो दी जा सके। और अभी कंटेक्स्ट ये रखा गया है कि एक लेक है जिसका नाम है पुमलेन पेट, ये आपको ध्यान रखना है, ये पुमलेन पेट लेक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर करने की बात है। और जैसा हम जानते हैं कि केबू लामचाओ जो नेशनल पार्क है वो लोकतक लेक में है, लोकतक लेक हम जानते हैं कि मणिपुर में काफी फेमस है क्योंकि वो फ्लोटिंग पार्क के लिए जानी जाती है बेसिकली, तो इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान है वो रखना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि संघाई हिरण है वो इंडेमिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो जाता है। तो अभी एक ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि IUCN की जो लिस्ट होती है प्रोटेक्शन की, उसमें इंडेंजर्ड लिस्ट में संघाई हिरण को शामिल है वो किया गया है। तो ये कुछ दो चार फैक्ट्स हैं संघाई हिरण के बारे में, ये हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है टाइफून जेबी के बारे में। देखो टाइफून जेबी है उसने रिसेंटली जापान में काफी ज्यादा अभी तबाही है वो मचाई है। तो टाइफून जैसा हम जानते हैं कि हमारे से इंडिया के अंदर चक्रवात बोलते हैं, उसी तरीके से जापान वाला जो एरिया है वहां पे टाइफून के नाम से जानते हैं, साइक्लोन वगैरह को, चक्रवात वगैरह को। तो अभी जो चक्रवात वहां पे आया है, जो टाइफून आया उसका नाम है जेबी। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि जेबी रिसेंटली न्यूज में था टाइफून वगैरह के यहाँ से क्या वगैरह है, तो हमें ध्यान रखना है कि जेबी साइक्लोन या जेबी जो टाइफून आया इसने बेसिकली जापान के अंदर भारी तबाही है वो मचाई है। तो जापान में चक्रवात अभी आया था, सुर्खियों में है, तो इसलिए थोड़ा नाम है वो ध्यान में रखना है। बेसिकली कोरियन लैंग्वेज का तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जेबी टाइफून आया कहाँ पे और कौन से एरिया में टाइफून है वो कहा जाता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि चक्रवात को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंडिया में चक्रवात हुआ, जापान वाले एरिया में टाइफून हुआ, और कुछ और एरिया में अलग नाम होते हैं, तो कौन कौन से एरियाज में क्या क्या नाम है वो होते हैं, ये नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंडो मंगोलियन ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में। देखो इंडिया और मंगोलिया दोनों के बीच में भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो की जा रही है, जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट। ये आपको ध्यान है वो रखनी है कि इंडिया और मंगोलिया कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमेडिक एलिफेंट, बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ फैक्ट दो चार इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं कि मंगोलिया की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। तो देखो एक बार इसके लिए थोड़ा सेंट्रल एशिया का मैप देखते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया की काफी पास में है और उसकी लोकेशन भी हमारे लिए काफी अहम है वो हो जाती है। तो ये तो है देखो बेसिकली सेंट्रल एशिया का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इधर ही यहाँ पे जो है मंगोलिया छोटा सा साइड में कंट्री है, साइड में सबसे बड़ी जो लैंडलॉक कंट्री है होलो रोड में वो तो है बेसिकली कजाकिस्तान, और सेकेंड नंबर की जो लैंडलॉक कंट्री आती है वो आती है बेसिकली मंगोलिया। तो ये भी एक मंगोलिया का इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बन जाता है। तो हम सेंट्रल एशिया का मैप यहाँ पे देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो इनकी लोकेशन यूपीएससी पूछ सकती है, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवा सकती है, और इसी के साथ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट वगैरह। तो इसके मैप को हमें बहुत अच्छे से क्लियर है वो रखना है, क्योंकि इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन भी काफी अहम होते हैं और हमें यहाँ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे बड़ी सेंट्रल एशिया की कंट्री है वो है कजाकिस्तान, जैसे कि हमने जाना कि कजाकिस्तान है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बाद में देखते हैं हम आगे और कौन कौन सी कंट्री आती है, एक आती है उज्बेकिस्तान, एक आती है तुर्कमेनिस्तान, इसी के साथ आती है तजाकिस्तान और एक आती है किर्गिस्तान। तो ये बेसिकली यहाँ पे पांच कंट्री है मोटी मोटी जो कि सेंट्रल एशिया में आती है। इनकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की कैपिटल है वो अस्ताना है, अस्ताना काफी न्यूज में भी रहा हुआ है तो हमें इसके बारे में ध्यान है वो रखना है। इसके साथ ही किर्गिस्तान की कैपिटल है वो है बिश्केक, ये नाम भी हमें ध्यान है वो रखना है। और जो उज्बेकिस्तान है इसके कैपिटल का नाम है ताशकंद, ये भी नाम थोड़ा ध्यान है वो रखते हुए आगे चलना है। और तजाकिस्तान की कैपिटल है वह दुशांबे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है वह है अस्ताबाग, तो ये भी हमें ध्यान है वो रखना है कि अस्गाबाद है वो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, क्योंकि इनकी लोकेशन अहम होती है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे है कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद इस वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान आ रहा है, और यहाँ पे जो लोकेशन आती है ये आती है अरल सी की, तो अरल सी है वो बेसिकली उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर पे बना हुआ है।
आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर है वो टच करता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में बताना है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे इंडिया का कुछ हिस्सा है, ऐसे ऐसे टच होता हो, आप ये देख सकते हो नीचे। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और हमारे लिए हो जाता है कि जो इसकी एक्सरसाइज के बारे में, वो ये था कि एनुअल है, मतलब हर साल एक्सरसाइज होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, 2006 से इसको कंडक्ट किया गया है। तो इतना तो यूपीएससी डीपली नहीं पूछेगी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बस यही इंपॉर्टेंट होता है मैच द फुलंग वगैरह के तहत कि नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में है, या मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज वगैरह है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है राजीव गांधी का जो केस था उसको लेके है बेसिकली। देखो राजीव गांधी जो हत्याकांड केस हुआ था 1991 में उसको लेके, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर जो एरिया है उसमें बेसिकली राजीव गांधी की हत्या है, वो बेसिकली उस टाइम पे की गई थी, जो कि वहां उस टाइम पे आपको पता है कि फॉर्मर प्रधानमंत्री थे। तो अब इनके बारे में दो तीन फैक्ट देखते हैं अभी जो केस चल रहा है उस मामले में। देखो अभी कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास है नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कल द हिंदू में उसको लेकर आर्टिकल भी आया था। बट वहां पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो गवर्नर की पावर है आर्टिकल 161 के तहत, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो आर्टिकल 161 है वो गवर्नर को कुछ पावर देता है, जैसे गवर्नर की जो क्षमादान की शक्ति है उसकी बात यहाँ पे की गई है कि गवर्नर की क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है इसमें क्या क्या डिफरेंस है। देखो गवर्नर और जो राष्ट्रपति है इन दोनों की क्षमादान की शक्ति सारी सेम है, बस दो चीजें डिफरेंस ही है कि एक तो गवर्नर है ना वो कोई भी, जैसे कोर्ट मार्शल का कोई भी केस है उसके अंदर क्षमादान की शक्ति का यूज वो नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट मार्शल के केस में कुछ भी डिसीजन वगैरह जो भी चेंजेस करने एक तरीके से, मतलब कि क्षमादान की शक्ति का यूज करना है तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता। तो एक तो डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि गवर्नर है वो बेसिकली जैसे किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है तो मृत्युदंड के केसेस में एक्चुअली गवर्नर क्षमादान शक्ति का यूज नहीं कर सकता। गवर्नर जैसे कि किसी को आजीवन कारावास दिया हुआ है उस कंडीशन में ही क्षमादान की शक्ति का यूज है वो कर सकता है, मतलब किसी को मृत्युदंड दिया गया है उस कंडीशन में केवल और केवल गवर्नर उसकी सजा है उसकी वैलिडिटी कम कर सकता है या फिर सजा की प्रकृति कम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर उसकी जो सजा है या माफी है उसको कंप्लीट तरीके से माफी दे दे, वो गवर्नर को अलाउ नहीं है। तो ये दो डिफरेंस हमें ध्यान रखने हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है यहाँ पे और गवर्नर की क्या पावर है, दोनों में डिफरेंस क्या है और आर्टिकल 161 क्या है, ये हमने यहाँ पे देखा। बाकी जो कुछ फैक्ट प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल में आया था कल द हिंदू में, तो वहां पे डिस्कस के लिए थे। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में। देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसके बारे में, चलो आप दो तीन स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, आप बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो यह है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था। तो आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है कि पहला और सही है, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है कि पहला दूसरा दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है कि पहला दूसरा दोनों गलत है। देखो बेसिकली आपको बताऊं कि इसमें पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यों कैसे क्या है सारे रीजन। देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत बनाया गया था, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो एक तो ये कंफ्यूजन हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे चलना की ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको ऑब्वियसली वाइल्ड जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट के तहत बनाया गया तो ऑब्वियसली स्टेचुरी बॉडी अपने आप हो जाती है। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो बेसिकली इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान वो रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली आता है। इसके साथ ही जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। काम क्या है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का, काम ये है कि जो भी एनिमल्स हैं इनकी वेलफेयर के लिए काम करना, मतलब किसी भी एनिमल अगर आपकी हत्या एक तरीके से मतलब उसको पीटा जा रहा हो या फिर उसके साथ क्रूल्टी का बिहेव किया जा रहा हो उन सबसे प्रोटेक्शन की जाए एनिमल की, ये बेसिकली काम हो किया जाता है, मतलब एक तरीके से उसके साथ भी इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है कि वो जानवर है तो उनको मारा पीटा जाए, उन सब बातों पे फोकस करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। इसमें 28 मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट है वो किए जाते हैं। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, मिनिस्ट्री कौन सी है और कौन से एक्ट के तहत है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में क्योंकि आउट ऑफ दिल्ली है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है आपूर्ति के बारे में। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो बेसिकली आपूर्ति एक एप्लीकेशन उनके द्वारा बनाया गया है। तो आपूर्ति ऐप आपको ध्यान रखना कि इंडियन रेलवे का एक एप्लीकेशन है क्या। इस ऐप में बेसिकली इंडियन रेलवे है वो कोई भी नीलामी वगैरह कर सकती है, या फिर नीलामी की कंडीशंस वगैरह हो, या फिर ऑनलाइन नीलामी करनी, मतलब ई नीलामी करनी हो, इसके साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली एप्लीकेशन है वो बनाया गया है। मतलब वो जो इंडियन रेलवे कोई भी चीज खरीदेगा या कुछ भी बेचना है तो वो इसके थ्रू की जाएगी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसके लिए बेसिकली एक आपूर्ति एप्लीकेशन है वो लॉन्च है किया गया है, तो उसके बारे में छोटी सी न्यूज है वो आई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बेसिकली कल का ही है, तो अभी थोड़ा लगा कि इम्पोर्टेंट है तो हमने इसे यहाँ पे डिस्कस है वो कर रहे हैं, कल एक्चुअली रह गया था। वो यह है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में, ICID के बारे में, जिसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एंड नहर आयोग। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज है उसके द्वारा तेलंगाना की दो एक्चुअली ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी, या मतलब एक तरह बोल सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऐसे प्लान थे जिनको बेसिकली हेरिटेज का दर्जा है वो दिया गया है, मतलब विरासत सिंचाई परियोजना का दर्जा उनको दिया गया है। कौन कौन सी है वो दोनों इंपॉर्टेंट हमें नाम ध्यान में रखनी है। पहली बात तो है कि कौन से स्टेट में है, दूसरी बात नाम क्या है। एक तो है सदरमठ एनीकट, ये सदरमठ एनीकट है ये बेसिकली गोदावरी रिवर पे बनाया गया है। और ये जो एक दूसरा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पेडा चेरुवु, ये पेडा चेरुवु है ये भी बेसिकली तेलंगाना में है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों ऐसी है जो सिंचाई की परियोजना है जिनको विरासत हेरिटेज जो सिंचाई परियोजनाओं का दर्जा है वो दिया गया है, मतलब ये काफी पॉपुलर रही है इसके आधार पे। अब हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में। देखो यह एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट, और यह बेसिकली टेक्निकल जो मेंबर्स होते हैं उनका एक ग्रुप है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इरिगेशन हुआ, वाटर मैनेजमेंट हुआ, फ्लड मैनेजमेंट हुआ, और जो एक्सपर्ट्स हैं इसकी हेल्प से बेसिकली काम हो किया जाता है। तो इन्होंने ही अभी तेलंगाना की दो जो ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक तो है सदरमेटा एनिकट और दूसरा है पेटा चेरुवु, इनको बेसिकली विरासत सिंचाई परियोजनाओं का दर्जा है वो दिया गया है। तो ये कुछ छोटा सा फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।